नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको एक नई जगह की सैर करवाएंगे। जी हाँ, मैं आज आपको अपने दीदी के घर लेके चलूंगी। मेरी सिस्टर का घर है ये, देखिए, वाकना घाट जेपी यूनिवर्सिटी। यहाँ से होते हुए जाते हैं, ये रोड है उनका। और कल हरतालिका तीज थी तो उसके लिए मेहंदी लगाई थी मैंने। दीदी के घर पहुँचने के बाद हम घूमने निकल पड़े थे। हरतालिका तीज का व्रत भी था मेरा, तो हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। इस बार मैंने तीज अपनी बहन के घर पे ही मनाई। और ये देखिए, यहाँ पे जो है कड़ी पत्ता, मीठा नीम जिसे कहते हैं, और यहाँ लोकल भाषा में उसे कंडियाला कहते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि हम लोग तरसते रहते हैं इस चीज़ के लिए, जहाँ पे नहीं होता है। मार्केट से इसे खरीद खरीद कर लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि इसकी कोई कदर ही नहीं है। गाँव में पशुओं के नीचे इनको बिछाया जाता है, और ये इतनी अच्छी चीज़ है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि हर और देखने को मिलता है, जहाँ भी देखो। यहाँ से घूमते घूमते हम रोड से होते हुए, ग्रीनरी से होते हुए वहाँ एक मंदिर जा रहे थे, हनुमान जी का मंदिर है। मौसम बहुत ख़राब था, आप देख ही रहे होंगे, धुंध है, बरसातें हो रही है, लेकिन ये जो रोड है इनका बहुत ज़्यादा प्यारा था, एकदम प्लेन जैसा। ये देखिए, बिल्कुल सीधा सा, और शौर इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था यहाँ पे। वो तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब इतना इंजॉय कर रहा था कि खूब दौड़ लगा लगा कर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैराथन दौड़ रहा हो। और ये यहाँ पे जो है रेन वाटर को यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है, और यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे टमाटर लगाए गए हैं, कोलक लगाए गए हैं। कोलक जो कोलक की वो दाल होती है जो पथरी के इलाज के लिए भी यूज में लाई जाती है। और ये है यहाँ का व्यू, ये यहाँ की सड़क, और बड़ा अच्छा सा प्लेन प्लेन सी सड़क है, अच्छी ग्रीनरी है, हर तरफ अच्छा व्यू है। और ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे कोलत की दाल लगाई हुई है और टमाटर भी लगे हैं, और ये शौर्य खूब मज़े करते हुए, हंसते खेलते हुए, खूब दौड़ लगाते हुए बहुत इंजॉय कर रहा था। ये देखिए, मेरे साथ मेरे दीदी भी आए थे, मेरे दीदी की बेटी भी मेरे साथ चल रही थी। दीदी घास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में वो घास काटने लगे थे, फिर मैं और मेरे दीदी की बेटी प्राची है उसका नाम, और शौर्य, हम तीनों मंदिर के लिए आगे निकल गए थे। जंगल के बीचों बीच वो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। और ये है, यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, फुल लकड़ी सबसे ख़राब चीज़ है। और बरसात में ये देखिए नदी, वहाँ पर साथ में एक नदी बहती है, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रहा था, क्योंकि बरसात में बारिश में जो है बहुत गंदा पानी आता है, और पानी की मात्रा भी, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रीनरी देखिए, ये देखिए बरसात में कुछ ऐसा यहाँ का मंजर होता है। और ये यहाँ के जंगली फूल, और ये साथ में व्हाइट वर्ड जो आप देख रहे थे, ये है कांग्रेस घास, इससे तो हमेशा बच के ही रहना चाहिए, इससे एलर्जी हो जाती है। और ये है वो छोटा सा मंदिर जहाँ पर हम आए थे, लेकिन ये मंदिर किसी कारण बंद था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, तो हम उस मंदिर नहीं जा पाए। बाहर से हम थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, ये है राम लक्ष्मण सीता जी, बहुत सुंदर मंदिर था। इसके दूसरी साइड भी था राम और सीता की फ़ोटो, पर वो हम आपको अच्छे से नहीं दिखा पाए, इसलिए हमने वीडियो को स्किप कर लिया। और ये एक और चीज़, वहाँ पे जो है टमाटर लगे हुए थे, ये देखिए, जो पॉली हाउस की जो पॉली शीट होती है उसके अंदर ये चीज़ लगाए गए थे, पॉली शीट के अंदर, ये देखिए इस तरह से होल करके। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि खरपतवार भी ना हो और मॉइस्चर भी बना रहे, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा होती है, पानी थोड़ा कम होता है, तो इस करके यहाँ पे जो है ये चीज़ लगाई गई है इस तरह से, ताकि मॉइस्चर भी बना रहे। और उसके बाद हम मंदिर से जब वापस आए तो दीदी ने तब तक घास काट लिया था, और ये देखिए उसको बांध रहे हैं, क्योंकि गाय के लिए तो चारा लाना ही पड़ता है, चाहे बरसात हो चाहे जो मर्जी हो। उस टाइम बारिश हो रही थी, पूरा भीग गए थे। और ये फिर प्राची के पास कुछ दे दिया, उस दीदी खुद से लेके आ गए। उसके बाद हम घर आए, घर पहुँचने के बाद हमने फिर हरताली का तीज की पूजा की। ये है बंटी, दीदी का डॉग, इसका नाम बंटी है। ये भी अब ये दीदी के साथ साथ भी रहता है, और हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं ये भी हमारे साथ साथ के पीछे घूमता रहता है। ठीक है, उसके बाद घर पहुँचने के बाद हमने हरतालिका तीज की पूजा की, व्रत का समापन किया। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, फिर थोड़ा रेस्ट किया, और ये हम दीदी का घर में जो है मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है, आपको एक अच्छे से
दिखाऊंगी इसको। अभी आपको इतना दिखा रही हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो गया था तो फिर थोड़ा हमने स्किप कर कर आपको दिखाया। और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो हम यहाँ पे बना के आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।